मैंने व्यूअर तकरीबन 90% 90 नहीं, थोड़ा कम करते हैं, 80% जो है ना हमने सफाई कर ली है और घर को मजीद सोना बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें दरकार हैं। अबू जान सो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है, मज़े में? माशाल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मज़े में अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का जो हमारा व्लॉग है यहीं से स्टार्ट हो रहा है। सूरज ये आ गया है और फर्स्ट टाइम में ही आज माशाल्लाह ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी मीठी मीठी हवा चल पड़ी है। तो हम जा रहे हैं इधर मड हाउस। खोल जाओ यार, क्यों पता नहीं ओके खुलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर की तो रौनक ही और हैं, हैं? ज़बरदस्त नहीं हो गया माशाल्लाह? चेक करें चेक करें, वाह तेरिया खैरान। अब लग रहा है कि हाँ यार घर है, बनाया हुआ है, सेटिंग वेटिंग की हुई है, पानी वगैरह लगाया हुआ है, बड़ा खूबसूरत, बहुत प्यारा लग रहा है। और मुझे ऐसे घर बहुत अच्छे लगते हैं जो क्लीन क्लीन हो। अच्छा ओ खैर, कैसी हो जी? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? कल भी आप पे मार पड़ी है, आज भी पड़ने वाली है। आपको बताया आपका भाई आज क्या करने वाला है? आज घर की मुकम्मल सफाई करने वाला है। जैसे ये नहीं नज़र आ रही है आपको, बिल्कुल सेम ऐसे नज़र आएगा मेरा घर भी, जो कि इधर मड हाउस है, मिट्टी का बना हुआ है सारा। इसका डिज़ाइन थोड़ा अलग है और मेरे घर का डिज़ाइन थोड़ा अलग है, इसलिए चलते हैं पहले घर की सफाई करते हैं, मज़ीद देखेंगे कि आगे हमने क्या करना है। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। उसके बाद हम चलेंगे मज़ेदार वीडियो की जानिब, लेट्स गो। और कीड़ा देखा है? अक्सर मैं बोलता हूँ ये बैठा है, अभी चलेगा, देखिएगा 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 देखिएगा, वो जा रहा है, नजर आ गया, वो जा रहा है, वो देखें, वो जा रहा है, वो हाजी वाह। इसे बोलते हैं जी कोर किरड़ा, ठीक है? अक्सर मैं लड़कों को बोलता हूँ ना कोर किरड़े, ये वही है। ट्राली मैंने बाहर खड़ी कर दी, अब अंदर चलते हैं और मज़ीद एक और चीज़ लेनी है। वो है जनाब, किधर है किधर है किधर है किधर है, ओ ये पड़ी है, तमन तो गए होंगे काही। इसे कस्सी भी बोलते हैं, कस्सी, हालांकि कस्सी जो है ना वो हम बोलते हैं वाटरी को, सरेकी में बोलते हैं कस्सी। आ वनो यार कस्सी खटड़ी है, कितना फ़र्क है लैंग्वेज में, इंग्लिश, राजस्थानी, इंडियन, उर्दू, हिंदी वगैरह, बहुत सारी जुबानें, पश्तो, पख्तून, बलोची और इसके अलावा लातीनी, फारसी, बहुत सारी, पता नहीं कितनी है, अगर किसी को पता हो तो नंबरों में लिख दीजिएगा कि दुनिया में कितनी लैंग्वेज हैं। वैसे मुझे भी पता चल जाता है क्योंकि गूगल पे आजकल हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन जब आप कमेंट करेंगे ना तो बहुत प्यारा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये मैं बंद कर लूँ कि अल्लाह पाक के फजल करम से माशाल्लाह ले आए हैं ऑफ ट्राली। पहले पहले ये साइड हम कम्प्लीट करेंगे क्योंकि ये जो साइड है तकरीबन 70% क्लियर है, तो मज़ीद जो है ये डकरे डुकरे कचरा वचरा ये जब साफ़ हो जाएगा तो ये 100% क्लीन हो जाएगी ये वाली साइड। ओके अभी स्टार्ट लेते हैं। वीवर तकरीबन 50% मैंने क्लियर कर दिया है ये साइड, अब एक ट्राली और आएगी, ठीक है, ये तो हो जाएगा क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट है ना वो भी तकरीबन दो ट्रालियाँ या एक ट्राली हो जाएगी, वो वाले निज़ाम ओके हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर देखते हैं ये वाली जगह, बहुत सारे ऐसे काम पड़े हैं जो बंदा करता 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 थक जाता है, काम ख़त्म नहीं होते, इसलिए बोलता हूँ कि अपनों के लिए टाइम निकाला करें, किसी से बात करने के लिए टाइम निकाला करें, और इतना भी ना निकाला करें कि आपके अपने काम ठप हो जाएँ, अपने काम भी करें, अल्लाह पाक से दुआ किया करें वक्त में बरकत की दुआ, क्योंकि आजकल हमारे वक्त में बरकत नहीं है। मज़ीद इस पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, फ़िलहाल मैं ये निपटा लूँ, दिन गर्म हो रहा है।
बार 99% क्लीन हो चुका है और अब बाकी जो बचा है थोड़ा थोड़ा ये झाड़ू से करूँगा। ठीक है, ये मैं बाहर फेंक के आता हूँ, फिर आपसे गुफ्तगू करता हूँ। गर्मी लग रही है, ब्लड लो भी हो रहा है, ये पहुँचा के थोड़ा रेस्ट ले लेंगे, फिर वो साया है उधर उधर कमा लेंगे। ओके, ये भी गर्म हो जाती है धूप में। पसीना आएगा तो घर की सफाई होगी, पसीना नहीं आएगा तो सफाई क्या खराब होगी। इस वजह से ना थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है घर को संवार। चलें जी, बस 5 मिनट का स्टे लेते हैं, बाकी ये पड़ा है तकरीबन एक ट्राली हो जाएगी। वैसे ना एक ट्राली हो जाएगी। फिर ये जो सारा माहौल है इसको भी एडजस्ट करना है, घर की सफाई मुकम्मल एकदम झकास बना देनी है। ओके, एक ट्राली है यूं जाएगी, देखते हैं कि यूं जाती है या घूम जाती है। अबू जान सो रहे हैं। गर्मी में ना तेज़ काम नहीं करना चाहिए, आप तेज़ करेंगे जल्दी जल्दी थक जाएंगे, पसीना बहेगा, जिस्म जो है ना वो लूला हो जाएगा और आप अंदर जाके गिर जाओगे। ऐसा नहीं करना, सुकून सुकून से।
अपना घर है, अपना काम है। आप 5 मिनट वाला काम 2 घंटे में कर लें। मुझे लगता है एक और ट्राली होगी, क्योंकि ये देखे ना अब घिट ही रहा है, चाहे फुल भी भर लो फिर भी ये सारा नहीं आएगा, घिट ही जाएगा। अब ऐसा करते हैं, पहले इसको फेंक देते हैं बाहर, फेंक देने के बाद वापस आऊँगा और यूं 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 करके फेंक दूँगा। ओके, ये जगह है कुछ नीची, इस वजह से यहाँ डाल दी है तो मिट्टी, ये फिर लेवल हो जाएगा, मोटरसाइकिल वाले दाब दूब के इसको सीधा कर जाएंगे। नाइन्टी ये भी हो चुका है माशाल्लाह, और बाकी का जो बचता है वो आएगा हमारा झाड़ू वाली सरकार से, तो वो जैसे हम लगाएंगे इसकी मुकम्मल फिटिंग कर देंगे और वापस आता हूँ। इसको बस इधर पास ही गिरना है और वापस आके ना ये वाला जो मटेरियल है इसके बारे में सोचते हैं कि इसको कहाँ पे एडजस्ट करना है, और फिर जब आएगा ना वो क्या बोलते हैं उसे अपना पीपे बेच लो, लूहा बेच लो, गत्ता बेच लो, बुशके वाला जो वो आएगा ना, तो सिद्दीक की साइकिल ही बचा के बाकी जो भी है सामान सारा बेच देंगे। इससे कोई प्याले आ जाएंगे, कोई छुआरे आ जाएंगे, कोई पतीसा आ जाएगा, खा लेंगे। ओके, अभी चलते हैं सीधा बाहर।
जी मैंने भी बार तकरीबन 90% नवे नहीं थोड़ा कम करते हैं 80% जो है ना हमने सफाई कर ली है और घर को मज़ीद सोना बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें दरकार हैं जो हम लेंगे। और ये देखें ये वाली साइड दिखाना, ये साइड अभी फ़िलहाल पड़ी है। इसका रीज़न ये है कि थोड़ी हो गई है गर्मी और तकरीबन काम भी हो चुका है और वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है। इस वजह से हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लॉन्ग ना जाएं और छोटी छोटी जो वीडियो होती हैं वो सही होती हैं, आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होता और हमारा टाइम भी ज़ाया नहीं होता है। तो अब कैसा लग रहा है ये आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। और बस कूलर पंखा है, हमारी मजबूरी है, गर्मी की वजह से हमने इसको यहाँ पर रखा हुआ है। नाइट के टाइम हम इसको चलाते हैं, अबू जान भी सूखे सोते हैं, हम भी सूखे सोते हैं, बच्चे भी सूखे सोते हैं। तो इधर देखें ये वाला भी हमने निपटा दिया माशाल्लाह, और इधर जो भी कबाड़ पड़ा था वो भी हटा लिया। अब ये सोचते हैं कि ये चार ईंटें क्यों रखी हैं, ये दरअसल इसलिए रखी हैं जब हम चार पाई यहाँ पर लगाते हैं अबू जान के लिए तो इसको थोड़ा ऊंचा करते हैं, क्योंकि जो सामने बंदा सो रहा होता है अगर वो थोड़ा टेढ़ा सो जाए तो पीछे जो बाकी चार पाइयाँ होती हैं उस पर हवा नहीं जाती है। अबू जान का जब चार पाई ऊपर हो जाती है तो फिर उनको हवा सही लगती है कूलर पंखे की, वो भी सुकून में है हम भी सुकून में, तो इसलिए वो चार ईंटें रखी है। मज़ीद ऐसा 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 करके मैंने आपको बोला हुआ है कि एकदम से काम नहीं करना, बिल्कुल ऐसा ऐसा सोच समझ के। आज हमारा कुछ ख्याल है, फ़र्ज़ करें कि हम सोच रहे हैं कि यार हमने इधर कोई चीज़ लगा देनी है, इसको यहाँ रखना है, इसको वहाँ रखना है, अभी गर्मी की वजह से सोच नहीं आ रही है, लेकिन सो जाएंगे, रेस्ट लेंगे, फिर आने वाले 24 घंटे के बाद हमें एक नई सोच होगी कि यार हमने ये ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। ये भी आप ख्याल रखा करें और एकदम से कोई भी काम झटपट ना किया करें, तसल्ली से किया करें। और अभी देखते हैं जी आगे क्या करने वाला है, मुझे दे थोड़ी सी इजाज़त, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इधर काम से हो चुके हैं बिल्कुल फ्री और अभी फ्रेश फ्रेश भी हो चुके हैं माशाल्लाह, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अभी हमने करना है नाश्ता और टाइम भी तकरीबन 11 बजने में 7 मिनट बाकी हैं, तो 11 बजे हमारा नाश्ता होगा क्योंकि सुबह सुबह उधर एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद फिर इधर एक्सरसाइज होगी। अब ये जो डोले शोले हैं ना ये थोड़ा दर्द कर रहे हैं, कोई नहीं आदत बन जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह पाक ने चाहा तो सब ठीक होगा, ठीक है ना। ओके वीवर, फैली फैली नाश्ता हम मैंने कर लिया अल्लाह पाक के फजल करम से और दिन भी काफ़ी चढ़ चुका है, सर के ऊपर आ चुका है सूरज, और अब सूरज जो है ना थोड़ा थोड़ा सर्दियों की जानब बढ़ रहा है। उसकी वजह यह है कि ये देखें कमरे के आगे कितना साया है, ये गर्मियों में साया नहीं होता बल्कि दीवार से टकराती है इसकी धूप, और जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो फिर माहौल यस हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ हमने फाइनल कर लिया है अल्लाह पाक के फजल करम से, और अब जो हम करने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको देखने को मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल मुझे दे इजाज़त, मैं जा रहा हूँ उधर रूम में, बॉयल हो रही है हल्की हल्की, ये चार्ज हुई पड़ी है और ये बॉयल हो रही है, थोड़ी थोड़ी करके हो रही है। तो व्यूअर चलते हैं एसी वाले रूम, एसी वाले रूम पर जाके देखते हैं अगर वहाँ पर जगह है तो बैठ के एडिट वगैरह करेंगे वीडियो को, फिर सुकून कर लेंगे थोड़ा सा। मैं इतनी देर बैठता हूँ कि 10 मिनट जब पसीना सूख जाए फौरन निकल जाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर अगर मैं बैठा रहूँ वहाँ पर तो और कोई भी मुझसे काम नहीं होगा, इसलिए बस चंद मिनट बैठ के वो सही होता है। तो आज का जो व्लॉग है इसका भी यहीं पे एंड कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है आज वाली वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर मौसम की बात की जाए तो हवा बिल्कुल रुकने के करीब है, मुझे लगता है कि सेकेंड टाइम में बोल रहे हैं कि 21 से लेकर आज तो 22 हो गई है तकरीबन, पता नहीं 21 है 22 है, तो आज से लेकर 25 डेट तक बारिशों का इम्कान, जो चौथा स्पेल है वो दाखिल हो चुका है मानसून का, तो देखते हैं हमारे हिस्से की बारिश है कि नहीं है। खैर मुझे नेक्स्ट ऑल द बेस्ट, रखिएगा दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़।